ओके, तो पार्लियामेंट के पावर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, व्हेन कैन पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये लिख लेना, ठीक है। लक्ष्मीकांत का इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले बना के जाना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत बढ़ रहा है आजकल, उसका रीजन बताओ, फैक्टर बताओ। न्यूज़पेपर में देख लेना, न्यूज़पेपर स्कैन मार लो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन न्यूज़पेपर डाल दो, न्यूज़पेपर से हो जाएगा, ठीक है। उसके अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको वो न्यूज़ पढ़नी है। डेलीगेट लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेशन बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का, जो एमपी एमपी बैठती है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब वो लेजिस्लेशन, ऐसे कानून कायदे जो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ठीक है। तो आजकल इतना बढ़ क्यों रहा है, इसके रीजंस क्या है, तो इसको गूगल कर लेना, या गूगल नहीं करते तो अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है तो पढ़ लेना, ठीक है। आप देखो, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कैसे है, पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ये लिमिटेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि आर्टिकल 368 के अंदर क्या पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है बाय एक्सपैंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले ही बना के जाओ, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है ना, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आपका थेरी पोर्शन है, इसको इसमें से करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडिया कीप्स एन आर्बिट्री चेक आर्बिट्री पावर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिकली डिस्कस, तो ये भी थ्योरी का ही पार्ट है। जब यू नो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले बना के जाना। जनरल फीचर ऑफ अमेंडिंग प्रोसीजर, ये आपको इधर से हो जाएगा, किधर से, अपना लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड, डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्ले थिंग, ठीक है। जो अमेंडिंग प्रोसीजर है, बार बार अमेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये खिलौना है क्या सेंटर के हाथ में? तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको न्यूज़ में नहीं मिलेंगे, इसके आर्टिकल्स आपको न्यूज़ में नहीं मिलेंगे, इसको गूगल ही करना पड़ेगा। अब गूगल कैसे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, गूगल करो, उसके नोट्स बना लो और चले जाओ एग्जाम में। मैंने इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले ही बना लिया है, ठीक है। आप देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, चलो आगे बढ़ते, केसेस वगैरह भी डाल दिए। ओके, अब ये देखो, लक्ष्मीकांत में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैंने थोड़ा सा टेबल बना लिया, डिफरेंस 5 डिफरेंस, इसी को छापूंगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। सोवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, अभी आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा गूगल में, गूगल करना पड़ेगा, ना न्यूज़पेपर में मिलेगा। न्यूज़पेपर का वेट मत करो, कब सोवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे आर्टिकल आएगा और कब पढ़ लो, कभी नहीं आएगा, साल भर में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ लेगा वो, फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते, कंटेम्प्रेरी इशू से क्वेश्चन आते हैं और उसको गूगल करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पे पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, नेचर, मेथड, हाउ, इफेक्टिव, हाउ, यही पूछा है, कैसे कंट्रोल करता है, नेचर क्या है कंट्रोल का, मेथड क्या है कंट्रोल के, कैसे करता है, क्या इफेक्टिव है कंट्रोल, तो इफेक्टिव के लिए गूगल कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, देखो मैंने भी वही किया, मेरे नोट्स में वही किया, हाउ, देखो इंट्रो में देखो हाउ और मेथड, उसके बाद देखो थोड़ा नीचे जाओ, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है, इश्यूज़ क्या है, उसके बाद तो और थोड़ा नीचे जाओ, इफेक्टिव है कि नहीं है, वहाँ से उठाया थीम, वहाँ से उठाए और उसके ही नोट्स बनाया, ठीक है। और देखो, रिफॉर्म्स चाहिए, रोल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, एथिक्स कमेटी, ऐसे बना लिए नोट्स, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता, अरे बेटा शांत रहो ना यार, शांत रहना बेटा थोड़ा। देखो जॉइंट सेटिंग से क्वेश्चन आया, ठीक है, जॉइंट सेटिंग एक बार, जॉइंट सेटिंग दो बार, जॉइंट सेटिंग तीन बार, जॉइंट सेटिंग चार बार, ये अभी अभी क्वेश्चन आया था जॉइंट सेटिंग का, 2017 में या 18 में आया था शायद से, पता नहीं कब आया था, चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थीम रिपीट हो रही है, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें से। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, अगर न्यूज़ आ गया कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, या गूगल गूगल कर लेना थोड़ा कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ से 2 पेज के नोट्स बना लेना, बात खत्म। ये पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, देखो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, चार बार तो प्रोटेम स्पीकर के क्वेश्चन आ गए। इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले ही बना के जाओ, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, ये आते थोड़ा न्यूज़ ओरिएंटेड, ठीक है। अब इसको देखना, अगर मान लो कोई मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और वो न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या ग्राउंड्स है डिस्क्वालिफिकेशन के, रीजंस क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको न्यूज़ में ऐसे आर्टिकल्स दिखते हैं तो आर्टिकल्स को पढ़ लेना,
ठीक है, ये फंड वाले जो क्वेश्चन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सारे लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे। अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का जो रोल है दिन ब दिन वीक होते जा रहा है। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो चुपचाप से पढ़ लेना उसको, ठीक है, ऐसा आ चुका है, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड लक्ष्मीकांत भी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पहली पढ़ के जाना। अब देखो मनी बिल का कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, मनी बिल का कॉन्ट्रोवर्सी अगर चल रहा है न्यूज़पेपर में तो उसको देख लेना। अब 2017 या 18 में आधार बिल को मनी बिल करके पास कर दिया था, मनी बिल करके, मतलब देखो मनी बिल में वही चीज़ हो सकती है जो आर्टिकल 110 में जो चीज़ है वही मनी बिल में आ सकती है। अब सरकार क्या करती है पता है, कुछ कुछ चीज़ों को मनी बिल के अंदर डाल के मनी बिल करके पास करा देती है। अभी इशू है बहुत बड़ा, मनी बिल का मिसयूज़ कर रहे हैं आप लोग। स्पीकर जो है वो मनी बिल का मिसयूज़ कर रहा है। स्पीकर का रोल फाइनल अथॉरिटी है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्या स्पीकर के रोल को मिटाना चाहिए, क्या स्पीकर के ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड कुछ आगे कुछ करना, रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा न्यूज़पेपर में। अब ये मेरे को सपना आया था कि ये न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल आएगा तो पढ़ना है, नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, देखा मनी बिल से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, मैंने उसको गूगल किया, अगर कोई आर्टिकल आता है तो उसके रिलेटेड मैं न्यूज़ निकाल लूँगा। जो स्पीकर है वो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है मनी बिल के ऊपर, क्या वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्या लिमिटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके 2-3 पॉइंट निकाल लिया। ये सारे मैंने इंटरनेट से पॉइंट निकाले, कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं आया था मेरे लिए, ठीक है, इंतजार करने के लिए कि मैं जब आऊँगा तभी मेरा नोट्स निकालना, नहीं, मैंने वैसे जैसे टॉपिक पढ़ा वैसे ही गूगल किया, 3-4 पॉइंट निकाल लिए, बस बात खत्म, ठीक है। कट मोशन वाले क्वेश्चन, कट मोशन आपको मिल जाएगा, प्रिविलेज मोशन मिल जाएगा, कॉल अटेंशन मोशन मिल जाएगा, कहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत पे, सेंसर मोशन मिल जाएगा, ठीक है। इश्यू ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, गूगल करना पड़ेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, अगर न्यूज़ में आता है तो चुपचाप से इसके नोट्स निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ हंग असेंबली आपको पता होगा, हंग असेंबली का मतलब क्या होता है, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, इसको हंग असेंबली बोलते हैं। अब मान लो अगर हंग असेंबली का न्यूज़ आ गया तो उसको पढ़ लेना, क्यों, क्योंकि सिलेबस में दिया है, सिलेबस में कहाँ दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया है। अब महाराष्ट्र में हुआ था ऐसा, हंग असेंबली हुआ था, किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी, तो रोल ऑफ स्पीकर आ जाता है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट आ जाता है, फिर वहाँ पे गवर्नर आ जाता है, तो उसको पढ़ लेना थोड़ा सा, अगर न्यूज़ में चलता है हंग असेंबली तो, क्यों, क्योंकि टॉपिक दिया है। अब देखो ये टेम्पलेट मैंने खुद ने बनाया है, तमाशा इन पार्लियामेंट, ये मतलब कहीं कोई टॉपिक वॉपिक तो है नहीं, लेकिन मैंने जब ये दो क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तब मुझे पता चला कि यूपीएससी कितना बेवकूफ़ बनाती है, कितना मतलब भयानक बेवकूफ़ बनाती है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन लगभग 70% क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। देखो अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एम पी हैज़ डिमिनिश ओवर द ईयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट ऑन द पॉलिसी इशू आर नॉट बीन यूजली विटनेस। हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ विच हैज़ लेजिस्लेटेड विद डिफरेंट इंटेंशन। अब क्या बोला है, देखो हमारे एम पी पार्लियामेंट में जाके क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है, कुछ करते ही नहीं, आपको पता होगा झगड़ा करते, ये करते वो करते, तो उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, डिबेट नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ डिबेट क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ठीक है। अब डिबेट डिग्रेड हो रही है, इस ये जो पार्लियामेंट जो ये जो एमपी की वजह से जो डिबेट डिग्रेड हो रही है, इसको आप किस हद तक आप एंटी डिफेक्शन लॉ को जिम्मेदार मानते हो, मतलब ये मंत्री इस पार्टी में चला गया, मतलब क्या हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से क्या हो रहा है, पार्लियामेंट बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या हो रहा है, डिबेट नहीं हो रही है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब वही का वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर हैज़ डिक्लाइन, यहाँ पे भी वही पूछा, डिमिनिश, विच इन टर्न्स हैव एडवर्सली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ डिबेट, यहाँ पे भी वही पूछा, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट, यहाँ पे भी वही पूछा, एंड आउटकम डिस्कस, वही है 70% क्वेश्चन सेम टू सेम। तो अब मैंने इसको टेम्पलेट क्या दे दिया, तमाशा इन पार्लियामेंट। अब ऐसा कोई सिलेबस तो है नहीं, इसीलिए मैंने बोला था, देखो सिलेबस सिर्फ एक वर्ड डिफाइन करता है लेकिन उसके अंदर क्या क्या पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने फोल्डर सिलेबस वाइज नहीं बनाए, हाँ जो क्लियर कट सिलेबस में दिया, कुछ कुछ जैसे फेडरलिज्म से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, उसके मैंने फोल्डर बना लिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अंदर डीप क्वेश्चन होते हैं, तो उसके मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन के फोल्डर बनाए,
ठीक है, समझ रहे हो, क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन के फोल्डर बना लिए, तो तमाशे इन पार्लियामेंट। अब देखो, अभी आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे यू नो कुछ कांग्रेस के एमपी और तृणमूल कांग्रेस के एमपी को आई थिंक उन्होंने कुछ तो भी फाड़ा था यार, मेरे को याद आ रहा है, अभी मैं तुमको गूगल करके बताता हूँ, न्यूज़ में था यार, आपको पता नहीं पता नहीं, पर देखिए ना इसको। TMC in a shocking move tried to physically attack the Rajya Sabha chair Harivansh Narayan. TMC MP walked up to the chair and tore the rule book and threw them at Harivansh Narayan. Now take a look at all that happened this morning in the parliament. With you know, gestures like throwing away their mic, what exactly is happening? See, it shows the lack of respect that they have for the temple of democracy. And it seems Mr. Derek O'Brien. अब देखो, recently ये तमाशा हुआ पार्लियामेंट में, अब क्या हो सकता है इस पे से, क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे से, क्वेश्चन बनेगा कि ये देखो इंडिविजुअल एमपी, इसका रोल फिर से डिमिनिश हो गया, हेल्थी कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो रही, हाउ फार दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्पीकर, स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया था ना इनको, है ना, ये लोग वो फार्मर बिल के अगेंस्ट थे, ठीक है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर ना थोड़ा सा नजर रखो यार, नजर रखो न्यूज़ में आर्टिकल पे नजर रखो, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तमाशा इन द पार्लियामेंट जो हमने टेम्पलेट बना के रखा है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन दो बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन से डिसाइड करो कि न्यूज़ का क्या पढ़ना है, न्यूज़ से डिसाइड मत करो कि क्या क्वेश्चन आने वाले, न्यूज़ से कभी डिसाइड नहीं करते कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन से डिसाइड करते और सिलेबस से डिसाइड करते कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो, यूनियन पार्लियामेंट हो गया, तमाशा इन पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा से देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 249, राइट ब्रीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा से कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा, लक्ष्मीकांत थोड़ा गूगल, अगर न्यूज़पेपर से नहीं आएगा, इसमें से न्यूज़पेपर से कुछ भी नहीं आएगा। रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, देखो रिलेवेंस यहाँ भी रिलेवेंस पूछा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, ये भी हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत से। प्रोसीजर टू क्रिएट सेकेंड चैम्बर, ये भी आपका हो जाएगा लक्ष्मीकांत से। पावर ऑफ फंक्शन एंड लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी हो जाएगा, कंपेयर किया है दोनों को, तो ये भी हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। न्यू नॉन फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा, ये भी हो जाएगा। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ये भी हो जाएगा। तो इसमें से करंट अफेयर का रोल तो बहुत कम है, एग्जाम्पल डाल सकते हो, गूगल करके एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी से 4 क्वेश्चन आ गए, पब्लिक अकाउंट कमेटी से 1, 2, 3, 4 क्या पूछा है, व्हाट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक्सप्लेन उसका रोल, इंपॉर्टेंस पूछा है, रोल पूछा है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने में कैसी हेल्प करती है, यही पूछा है। फिर आप भी क्या करोगे, व्हाट रोल, इंपॉर्टेंस, हाउ हेल्प इन अकाउंटेबिलिटी, बस खत्म, इतना ही प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा गूगल कर लेना, थोड़ा सा आपका लक्ष्मीकांत से इसका आ जाएगा, और थोड़ा सा अगर न्यूज़ में अगर कोई आर्टिकल चल रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एकदम मस्त तहलका मचा दिया, तो वहाँ से थोड़ा सा कंटेंट वहाँ से उठा लेना। पब्लिक अकाउंट कमेटी से देखो कैसे क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, रोल पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछा है, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने में कैसी हेल्प करती है गवर्नमेंट की, तो आपको भी यही करना है, आपको भी न्यूज़ में से वही चीज़ें देखनी है, ठीक है। और वैसे ही न्यूज़ थोड़ा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा ये, और थोड़ा हो जाएगा न्यूज़पेपर से, और थोड़ा हो जाएगा गूगल से। तो गूगल में अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसने तहलका मचा दिया, तो थोड़े 3-4 पॉइंट उसमें से निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है एस्टिमेट कमेटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए, 1, 2, 3। तो फंक्शन पूछा है, रोल पूछा है, यूजफुलनेस पूछी है, और रोल पूछा है इसका, ठीक है। तो हमको भी वही करना है, फंक्शन क्या पढ़ना है, रोल पूछ देखना है, यूजफुलनेस देखना है उसका, बस ये 3-4 यही पॉइंट देखने हैं अपने को, इसके ऊपर तो कुछ देखना नहीं है। थोड़ा गूगल, थोड़ा लक्ष्मीकांत, और थोड़ा न्यूज़पेपर। कंसल्टेटिव कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी सिस्टम ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सारा का सारा गूगल से हो जाएगा, लक्ष्मीकांत प्लस गूगल। यहाँ पे करंट अफेयर का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट्री, अगर मान लो कोई कमेटी न्यूज़ में है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी, एस्टिमेट कमेटी या पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक तो बहुत न्यूज़ में होती है, PAC पैक बहुत न्यूज़ में होती है। तो क्या करना, पैक का न्यूज़ में देखना क्या चल रहा है, क्या मतलब ऐसा कौन सा तीर मार दिया पैक ने, वो देख लेना, 3-4 पॉइंट्स उसके नोट्स निकाल लेना, बस बात खत्म। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कैसे क्वेश्चन आए, देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कोई टॉपिक नहीं है हमारे इसमें, लेकिन मैंने टेम्पलेट बना लिया उसका। देखो कितने क्वेश्चन आए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, 1, 2, 3, 4, 5 और बाप रे कितने हैं, 6, 7, 8 बाप रे 9, 10 बाप रे बाप, बहुत सारे क्वेश्चन आए। देखे अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या करना है, ये पूरे इसको गूगल कर लेना, सारे इसको देख लो। ब्रिंग आउट द
एब्रेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डू यू थिंक दैट चेंजिंग ओवर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म विल बी सोल्यूशन फॉर बेटर गवर्नेंस। आप देखो ये न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल नहीं आएगा, इसको गूगल ही करना पड़ेगा, थोड़ा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट अ सॉवरेन और नॉन सॉवरेन लेजिस्लेचर, हमने पिछली बार भी देखा था क्या सॉवरेन है, ये गूगल से हो जाएगा, गूगल से हो जाएगा, न्यूज़ में भी नहीं आएगा ये, ठीक है। उसके बाद देर इज नो नीड टू रिप्लेस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिफाई और अपोज द स्टेटमेंट। ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, गूगल से ही मिलेगा, ठीक है। पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन है, स्टेट पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन है, देखो डिसएग्रीमेंट बिटवीन काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो बिल कैसे पास होता है, इसके बारे में पूछा है। इसके एक पेज का नोट्स बना के जाना। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ सेकंड चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल की बात कर रहा है, काउंसिल को अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। व्हाइट हैज सेड दैट सेंटर हैज एब्सोल्यूट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसको गूगल कर लेना। ये न्यूज़पेपर में नहीं आते यार, ये न्यूज़पेपर में नहीं आते, ये न्यूज़ वाले नहीं होते, ये गूगल वाले होते क्वेश्चन, इनको गूगल करना पड़ता है, ठीक है, इनको पढ़ लेना और गूगल कर लेना, ठीक है। और कहाँ से होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी से, तो मैंने आपको बता दी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, इनको गूगल कर लेना, ठीक है। और लक्ष्मीकांत से थोड़ा बहुत हो जाएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कहाँ से हो जाएंगे, ये गूगल से हो जाएंगे, करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसे, ठीक है। और लोकसभा वाले तो मैंने आपको बता ही दिया, लोकसभा में स्पीकर का आया, क्वालिफिकेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन आया, एंग्लो इंडियन कमेटी और एथिक्स कमेटी, तो इसको ही प्रिपेयर करके जाना है, इसके ऊपर कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, आएगा तो इसमें से आएगा, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस, तो हमारा कवर हो गया, देखो प्रेशर ग्रुप हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट पार्लियामेंट, हमने पावर और प्रिविलेज वाले देखा, जो पावर वाला प्रिविलेज वाला क्वेश्चन देखे थे ना हमने, हमने न्यूज़पेपर से भी जो एग्जांपल निकाले थे, जो पार्लियामेंटेरी के प्रिविलेज से जो पावर है उसका मिसयूज हो रहा है, तो ये यहाँ से हो गया। अब सेपरेशन ऑफ पावर बचा है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बचा है, ठीक है। और स्टेट पार्लियामेंट से भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो हमारा अभी लास्ट टॉपिक बचा है पॉलिटी का, ठीक है, अब उसको देखते हैं। तो ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का फोल्डर, इसको खोला मैंने अभी तक, इससे एक या दो ही क्वेश्चन आया शायद से, एक ही क्वेश्चन आया। व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्रॉट इन द आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलेशन एक्ट 1996 टू द रीसेंट ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाउ फार विल इट इंप्रूव इंडियाज डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखो इंडिया के कुछ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो सिर्फ कोर्ट नहीं जाते, अलग अलग छोटी छोटी जगह भी होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो पार्टियों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आर्बिट्रेशन के थ्रू आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है, तो इसको थोड़ा गूगल से कर लेना, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। और मान लो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से अगर कोई आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में तो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो हमने मोटा मोटा तो पूरा सिलेबस देख लिया, लेकिन याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ कुछ ऐसे वेग सिलेबस है जहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अभी हम उन चीज़ों को पकड़ेंगे, ठीक है। देखो अमेंडमेंट तो हमने कर लिया था, अमेंडमेंट तो हमने कर लिया था, देखो लेकिन आर्टिकल 370 से भी क्वेश्चन आए, आर्टिकल 370 से कैसे क्वेश्चन आए देखते हैं उसको पहले। अब देखो आर्टिकल 370 तो रिडंडेंट हो गया, अब इस पर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कोई किसी की और सरकार आ जाए और आर्टिकल 370 को वापस से अगर डाल दे तो कुछ बता दे नहीं आता हमारी गवर्नमेंट का। तो ये तीन क्वेश्चन आ गए, देख लेना, कुछ प्रिपेयर मत करके जाना इसका, क्योंकि अभी तो आर्टिकल 360 रिमूव हो चुका है, लेकिन देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे है। तो मैंने आर्टिकल 370 का एक फोल्डर बना लिया। अब आर्टिकल 370 का कोई सिलेबस में दिया तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बनाया ना, तो क्वेश्चन से मैंने फोल्डर को बनाया, सिलेबस से फोल्डर को नहीं बनाया। अब ऐसा और क्या है, और ऐसा एंटी डिफेक्शन है, ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन ये बहुत न्यूज़ में रहता है, इसको तो तुम एक्सपेक्ट कर लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो फीचर ऑफ एंटी डिफेक्शन, यहाँ पे फीचर ऑफ एंटी डिफेक्शन, why was it is considered necessary pass until the anti defection bill, in what way is likely to improve the political process, to isse kya matlab kya improvement hoga, iska importance pucha hai, short note pucha hai, the phenomenon of political defection in india is assumed large proportion in the recent years, in the right to say that ban on defection will amount the suppression of freedom of thought action। ab dekho ye anti defection na news mein bahut chalta hai yaar, बहुत चलता है। आपको न्यूज़ पे आपको कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाएंगे, देखो न्यूज़ पेपर। अरे बाबा कंटेम्प्रेरी इशू से क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, कंटेम्प्रेरी इशू का क्वेश्चन है। तो इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इससे इसके क्या फ़ायदे है, इसके क्या नुकसान है, इसके अराउंड जितनी भी डिबेट है तुम न्यूज़ पेपर से देख लो पहले, मिलती है तो देख लो, नहीं मिलती है तो चुपचाप से गूगल कर लो, गूगल कर लो, और गूगल से ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को कवर कर लेना। अगर एंटी डिफेक्शन से अगर न्यूज़ आती है तो भैया मान के चलो ये आने वाला है, ये आने ही वाला है आपके
मेंस में 2021 या 22 के मेंस में तो एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार न्यूज़ में एंटी डिफेक्शन आते रहते हैं। एंटी डिफेक्शन मतलब ये पार्टी के बंदे ने ये पार्टी को ज्वाइन कर ली, ये पार्टी के बंदे ने ये पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ये ऐसा हो गया, बीजेपी का कांग्रेस में चलेगा, कांग्रेस का बीजेपी में चलेगा, यही चल रहा है बस, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएगा और इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर कर लो, और न्यूज़ में अगर कोई आर्टिकल आता है तो उससे नोट्स निकाल लो। एंटी